गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं प्रियांश सरफ रफ्तार अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का मैच गुजरात और दिल्ली के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। आज का मैच किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। जहां दिल्ली अपने पहली जीत तलाशने की कोशिश कर रही है, वहीं गुजरात अपने जीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। हमारे साथ हमारे साथी प्रेम है। प्रेम, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका, पहले मैं कर देता हूँ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, गुजरात जो है अपने जो विजय दत्त पे जो सवाल है उसका जो घोड़ा वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। वही दिल्ली जो है वो पहले जो है इस सीजन की पहली जीत की तलाश में अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने दोनों टीमें होगी। 3 साल बाद पहली बार दिल्ली जो है अपने होम ग्राउंड में खेलने जा रही है, तो ऐसे में जो दिल्ली के तमाम फैन हैं और दिल्ली वालों वासियों के लिए एक बहुत ही का मतलब रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दिल्ली को अपने होम ग्राउंड में खेलने का फायदा भी मिल सकता है, तो वही गुजरात जो है अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए उतरेगी। स्टैट की बात करें तो अब तक दोनों के बीच एक मैच हुआ है जिसमें जीत गुजरात को मिली है। वहीं ये बता दें कि ये अरुण जेटली स्टेडियम में ये पहला किसी गुजरात और दिल्ली के बीच पहला मैच खेला जा रहा है, लेकिन इससे फायदा दिल्ली को मिलता दिख रहा है क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, इससे पहले जो है गुजरात और दिल्ली पुणे में आमने सामने हुई थी, जहाँ पे गुजरात को जीत मिली थी। शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की पारी खेली थी। भा दिल्ली को शुभमन गिल से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, पिछला मैच में चेन्नई के खिलाफ उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की थी। उससे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब भारत के लिए वो खेल रहे थे, तब भी वो लगातार जो है बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अगर दिल्ली को अगर किसी से भी फिलहाल बचने की जरूरत है तो शुभमन गिल को और डेविड वार्नर की टीम को उनको जो है जल्द से जल्द निपटाना होगा। अगर वो नहीं निपटा पाते हैं तो शायद दिल्ली के हाथों से मैच निकाल के भी ले चले जाएंगे शुभमन गिल। पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो जिसमें गुजरात को जीत मिली थी, शुभमन गिल ने 84 रन बनाए थे जिससे गुजरात को 14 रन की जीत मिली थी। तो शुभमन गिल अभी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। अगर ये मैच गुजरात को जीतना है तो शुभमन गिल को दोबारा अपना फॉर्म को जारी रखना होगा। वहीं दिल्ली को अपनी पहली जीत अगर चाहती है तो उसको डेविड वार्नर की कप्तानी के साथ उसे बल्लेबाजी भी बहुत अच्छे करनी होगी। आपने सही कहा, डेविड वार्नर की ही नहीं बात की जाए, पृथ्वी शॉ को भी अपने पुराने रंग में लौटना होगा। सरफराज खान को फिर से वही भूमिका मिडिल ऑर्डर वाली जो फिनिशर के तौर पर कई बार वो निभा चुके हैं, वही भूमिका उनको निभाना होगा। वही गेंदबाजी में भी दिल्ली को ध्यान देनी होगी। अक्षर पटेल को एज ऑल राउंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। उनको दिल्ली वालों को जल्द से गेंदबाजी में भी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले मैच में गेंदबाजों ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था लखनऊ के खिलाफ। प्रियांशु जी, हमारा जो प्लेइंग 11 जो दिल्ली का जो रहने वाला है वो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते दिखेंगे। मिशेल मास तीसरे नंबर पे होंगे। रिली रोसो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते दिखेंगे। सरफराज खान होंगे 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे रोमन पावेल होंगे। अक्षर पटेल 7वें नंबर पे। कुलदीप यादव 8वें नंबर पे आ सकते हैं। चेतन सकारिया 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे खलील अहमद और 11वें नंबर पे नौकिया होंगे। ये हमारी दिल्ली की संभावित 11 रहने वाली है जो आज शाम में देखने को मिली, गुजरात के सामने देखने को मिल सकती है। तो प्रेम ने दिल्ली का प्लेइंग 11 तो रफ्तार प्रेडिक्शन है वो जो प्लेइंग 11 होगा वो बताया। अब मैं गुजरात का प्लेइंग 11 बता देता हूँ, जिसमें मैंने रिधिमान साहब विकेटकीपर को जगह दी जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शुभमन गिल जो कि काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं वो भी दूसरे नंबर पर मैंने उन्हें जगह दी। तीसरे पर साई सुदर्शन होंगे। चौथे पर मैंने हार्दिक पांड्या कप्तान को मैंने जगह दी। उसके बाद डेविड मिलर दिख सकते हैं खेलते हुए। राहुल तेवतिया है, राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, जोशुआ लिटिल है, यश दयाल को मैंने जगह दी है। उसके बाद मैंने अल्जारी जोसेफ को अपने प्लेइंग 11 जो रफ्तार का प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 है उसमें मैंने जगह दी है। बिल्कुल, ये हमारा प्लेइंग संभावित प्लेइंग 11 जो आज शाम को मुकाबले में दिख सकती है। प्रियांशु, आज के मुकाबलों को लेकर अगर आपकी अभी क्या प्रतिक्रिया, कितने मतलब जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले क्या बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगी या फिर वो गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी? जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं
बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी। बिल्कुल, अब तक का जो रिकॉर्ड, अब तक जो 6 या 7 मैच जो इस लीग के हो चुके हैं उसके अनुसार मैंने देखा एक बात जो नोटिस की है, जो भी टीमें टॉस हारी है वो मैच जीती है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम जो है टॉस जीतती है और कौन सी टीम ये हारती है। तो ये तो आज शाम को पता चलेगा, लेकिन मुझे ये मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, क्योंकि शाम के समय चेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये हमारा रफ्तार प्रेडिक्शन था, आपका क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रफ्तार मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें।